हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुनने में अजीब लेकिन स्वाद में बेहतरीन ऐसे 11 फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो ट्राई करने लायक है। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो किसी न किसी तरीके का फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया होगा। चलिए जानते हैं, जैसे मैगी को ही ले लीजिए, लोग अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव एक मैगी बनाने में उड़ेल देते हैं। ऐसे में किसी को चीज मैगी तो किसी को मैगी भुर्जी या मैगी बर्गर पसंद आता है, लेकिन मीठी मैगी के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? सुनकर शायद कुछ लोगों को उकाई आने लगेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये आइडिया मस्त लग सकता है। अब इन्हें ही ले लीजिए, जिन्हें न सिर्फ मीठी मैगी पसंद है बल्कि उन्होंने ट्विटर पर बकायदा उसकी रेसिपी भी शेयर की थी। जिन लोगों को लगता है कि मीठी मैगी की ये रेसिपी अजीब है, उनको बता दें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके फूड कॉम्बिनेशन की चॉइस बहुत ही अलग है। कुछ तो शायद आपने भी अजमाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला कॉम्बिनेशन है कड़ी के साथ नूडल्स। कुछ को कड़ी तो कुछ को नूडल्स पसंद आते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दोनों ही गजब के लगते हैं, वो दोनों ही मिक्स करके खाते हैं। ऐसे लोगों से आप अगर उसका टेस्ट पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि उन्हें इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है रोटी के साथ गुलाब जामुन। आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खाने वाले लोग तो आपने शायद देखे भी होंगे, लेकिन रोटी के साथ शायद नहीं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए रोटी के साथ स्वीट डिश खाना बेहद कॉमन बात है, यहाँ तक कि पूड़ी के साथ भी इसे लोग खाते हैं। तीसरा है चॉकलेट सॉस के साथ ढोकला। गुजराती को मीठा पसंद है, ऐसा तो हमें जेठा भाई बता ही चुके हैं, तो फिर कुछ मीठा खाएं। बाकी ढोकले के साथ चॉकलेट सॉस का मज़ा जन्नती फील देता है, ऐसा इसे खाने वालों का मानना है। चौथा है पानी में डुबोकर बिस्कुट खाना। चाय कॉफ़ी में डुबोकर बिस्कुट खाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी पानी में डुबोकर ट्राई किया है? शायद किया ही होगा, ये कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं किया तो करना चाहिए। पांचवा है चाय में आलू भुजिया। ये तो मतलब ऐसी बात है कि शायद हर घर में शाम की बैठक में होती ही हो। अगर चाय के कप में इसे डालकर पिया जाए तब कुछ मामला डिफरेंट है, और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यही करने में मज़ा आता है। छठा है शहद के साथ पिज़्ज़ा। देखो, ट्राई करने से पहले गरियाना मत, कुछ भी करो लेकिन कम से कम एक बार तो चख के देखो। हाँ, बस ये ध्यान रखो कि पूरे पिज़्ज़ा पर शहद मत डालना, कम से कम एक स्लाइस पर लगाकर खाना। सातवां है ऑरेंज जूस के साथ क्रीम बिस्किट। ये पानी में डुबोकर खाने जैसा ही है, बस जूस के साथ फर्क ये भी होगा कि आपको यहाँ खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। आठवां है न्यूट्रेला डोसा। अब देखो, न्यूट्रेला तो भाई किसी भी चीज़ के साथ आप खाओगे तो मज़ा ही आएगा, लेकिन कुछ लोगों को तो न्यूट्रेला इतना पसंद है कि उन्हें भी नसीड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। बाकी न्यूट्रेला डोसा यकीनन ट्राई करने लायक है। वह है फ्राइज़ के साथ आइसक्रीम। ये दोनों ही लोगों को बहुत पसंद होते हैं, मगर साथ में ये कमाल क्या करते हैं वो इन्हें खाने वाला ही बखूबी बता सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब भले ही है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है। दसवां है चावल के साथ केचप। जिन लोगों को केचप बहुत पसंद है उन्हें तो ये पसंद आएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मामला थोड़ा अजीब है। अब ये अच्छा है या बुरा ये तो आपको ही पता चलेगा जब आप ट्राई करेंगे। ग्यारहवां चॉकलेट सॉस के साथ चिप्स। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, नमकीन और मीठा एक साथ जिन्हें खाना पसंद हो उनके लिए ये बढ़िया है। बाकी जिन्हें ये कॉम्बिनेशन समझ ना आए तो कोई नहीं यार, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता अच्छा लगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।